good morning viewers or uh, welcome to all to know about this uh, third uh, organism in photosynthetic protists group that is euglena euglenoids in this uh, you see the diagram i am just uh, highlighting it माउथ इज कॉल्ड गलेट माउथ जो है वो उसको वो गलेट कहते हैं है ना माउथ के बाद ये जो एक ग्लैंडुलर uh, स्ट्रक्चर uh, आप देख रहे हो ये एक्चुअली गलेट है गलेट से खाना जो है फूड का इंटेक करता है और ये जो बड़ा सा फ्लैजीला आप देख रहे हो जो कि गलट रीजन से निकल रहा है ये लॉन्ग फ्लैजीलम ये एक्चुअली uh, युगलिना को मूवमेंट करवाएगा है ना लोकोमोशन का काम है इसका उसके बाद एक छोटा फ्लैजिला भी आप इसमें देख रहे हैं है ना जस्ट इन द गलेट आप देखो छोटा सा एक फ्लैजिला है स्मॉलर ये क्या करता है ये वर्ल्ड करता है है ना कह सकते हो कि रोटेट करता है और एक फुल टाइप का सिचुएशन बनाएगा जो इसको हेल्प करेगा फूड का इनटेक करने के लिए यूगलेना फूड का इंटेक ये छोटे वाले फॉल फ्लैजिला के एक्शन से करेगा वर्ल्डफुल टाइप का क्रिएशन करेगा और दिस स्मॉलर फ्लैजिला यू कैन सी इट हेल्प्स इन द कैप्चर ऑफ द फूड और उसके बाद इसके बाद आप देखिए इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ये जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन मेम्ब्रेनस जो आउटर मोस्ट जो कवर है है ना बाउंड्री है उसको पेलीकल कहता है पेलिकल पेलीकल इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो यूजुअल प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें तो प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स फैट्स वगैरह पाए जाते हैं बट यहाँ पर इस पेलीकल में केवल प्रोटीन होगा और वो इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है अब यूगलियाना के बारे में जो खास बात है कि ये कनेक्टिव लिंक इसको कहते हैं कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्यों ऐसा कहते हैं क्योंकि इसको इसके पास जो है वो दोनों ही फीचर एग्जिबिट करते हैं आप इसमें इस, इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो ये जो सेंटर में रेडियली अरेंज्ड कुछ ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं रेडियली प्रोजेक्टिंग ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स तो यही ये, ये क्या है तो ये आपको क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट Uh, होने की वजह से इसमें क्या है कि ये खाना बना सकते हैं ये फोटोसिंथेटिक हो गया इसके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी जन्थोफिल और uh, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर आप देख रहे हैं रेडिएटिंग फैशन में अरेंज अच्छा और क्या इसमें खास बातें इसके अंदर आप ये देखो पैरामाइलम बहुत सारे स्मॉल स्मॉल रेड जो है कलर्ड बी स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा पैरामाइलम ये पैरामाइलम ये क्या है तो पैरामाइलम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है पैरामाइलम इज ए स्टोरेज ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग पॉलीसेक्राइट्स बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टार्च एज वेल एज ग्लाइकोजन ठीक है यानी कि एक स्टोरेज ग्रैन्यूल्स है तो स्टार्च और ग्लाइकोजन से थोड़ा डिफर करता है लेकिन है ये पॉलीसेक्राइट कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी में आ गया आई स्पॉट आई स्पॉट बिल्कुल लाल है और ये जो है लाइट को परसीव करेगा और परसीव करके इसको जो है ये हेल्प करेगा मूवमेंट में और लाइट जहाँ से आ रही है उस तरफ जाएगा जिधर से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस भी कर पाएगा तो ये एक तरह से आई स्पॉट्स ये एक इसमें खास बात हो गई कि ये रेड कलर का होता है और रेड कलर का जो होता है वो किस पिगमेंट की वजह से होता है तो इसमें पिगमेंट का नाम लिखा है एस्ट्रा वो पिगमेंट है जिसकी वजह से इसका कलर लाल होता है और दिन में जब ज़्यादा लाइट है फिर तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा और जब लाइट की कमी है उस टाइम में एनिमल टाइप इसका रहेगा और माउथ गलेट है तो ये उस हिसाब से फूड का इंटेक करेगा उसमें अब इसमें लगभग लग सारी बातें हो गई पैरामाइलम बता दिया गया कि स्टोरेज ग्रैन्यूल है और पहली कल भी हो ही गया अब इसमें आ, ये सारी चीज़ें ये सब जो है डिस्कस हो गया और इसमें अगर कुछ इसमें लिखा हुआ है कि देख लीजिए एक बार आई स्पॉट इज रेड एंड इट हेल्प्स इन तो परसीविंग लाइट इट स्विम्स टुवर्ड्स तो द लाइट सोर्स टू डू फोटोसिंथेसिस एस्ट्राजेंथिन इज द रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन द आई स्पॉट ऑलरेडी इट इज टोल्ड अब इसमें कहते हैं कि रिप्रोडक्शन जो है वो यूजुअली एसेक्सुल होता है बाय लॉन्गी अब यहाँ देखो लॉन्गीट्यूडनल फीजन हो रही है फाइनली फीजन जनरली अमीबा में क्या है कि वो किसी भी प्लेन में डिवाइड कर सकता है पैरामीशियम में आपने देखा ट्रांसवर्स फीजन है यहाँ लॉन्गी कट लगाएगा लॉन्गीटूडनल स्प्लिट होगी और एक और चीज़ की जब ये कोई एडवर्स कंडीशन होता है तो ये आपको सिस्ट uh, फॉर्मेशन करेगा अपने चारों तरफ और प्रोटोप्लाज्म को कैसे भी कंजर्व करके रखेगा और वो जो सिस्ट जो हार्ड प्रोटेक्टिक प्रोटेक्टिव कवरिंग है ये रेड कलर की दिखती है और यहाँ ये जो रेड कलर है वो एक दूसरा एक दूसरी पिगमेंट है हिमाटोक्रोम उसकी वजह से दिखती है तो इस तरह से हमने देखा कि युगलिना जो है वो उसके पास कुछ प्लांट कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो गए क्लोरोप्लास्ट होने की वजह से और सेल वॉल नहीं है तो ये एक प्लांट का फीचर हो गया और एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपने देख ही लिया कि वो फ्लैजिला है जिसके कारण लोकोमोशन हो रही है और माउथ है और इंजेशन हो रही है ना डाइजेशन है तभी तो ये जो है सोस्टार्च पैरामाइलम जो है वो प्रोडक्ट बना है ये जो है ग्रेन्यूल्स जिसमें कि पोलिसक्राइड स्टोर कर रहा है अब इसके नेम को लेकर के बहस गई तो नेम को लेकर के बोटानिस्ट ने कुछ और नाम डाल दिया और तो इसको ना वैसे नेम में जो है फाइटो मेस्टिगोफोरा जो है इसका अभी एक्सेप्टेड नहीं है ठीक है तो ये इस तरह से आ, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आ, आप लोग जो है चैनल को सपोर्ट करें तो इसी तरह से वीडियो जो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए और कंटिन्यूसली वो सारे लिंक फेज्ड मैनर में टाइम टू टाइम मैं बनाता रहूँगा धन्यवाद